वीडियो में हम लोग गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के सीक्रेट जानेंगे। मैं आपको अपना सीक्रेट फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा, इसके साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा गुड़हल के पौधे के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं गुड़हल के पौधे के साथ, वो है उसकी प्रूनिंग ना करना। गुड़हल का पौधा जो है उसको प्रूनिंग बहुत पसंद है और इसकी प्रूनिंग हमें लगातार करते रहना चाहिए। जब भी उसके फूल आए उसके बाद आप थोड़ी सी लेंथ उसकी काट दीजिए। हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। प्रूनिंग करने से क्या होता है, इसकी ब्रांचेस पौधे में ज़्यादा आती हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतनी ही ज़्यादा उसमें फूल आएंगे। इसीलिए आपको पौधे की प्रूनिंग करते रहना चाहिए ताकि आपका पौधा घना हो और उसमें फूल ज़्यादा आए। प्रूनिंग करने के अलावा आप गुड़हल के पौधे की मिट्टी में एप्सम सॉल्ट का एक छोटा चम्मच मिला सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम है और ये गुड़हल के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आप एप्सम सॉल्ट को मिट्टी में मिलाने के अलावा उसका पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। एक चम्मच आप एक लीटर में मिला के उसका अच्छी तरह पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं, आप अगर उन्हें छाया में रखेंगे तो वो आपको उतने फूल नहीं दे पाएंगे जितने कि वो आपको दे सकते थे अगर आप उन्हें धूप में रखते। तो गुड़हल का पौधे को भी धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में ज़्यादा फूल देता है। लेकिन अगर आपके यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो, जैसा हमारे यहाँ चल रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो उस टाइम पर आप इसे तेज़ धूप में मत रखिए। अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो आपका पौधा सूख भी सकता है और इसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ सकती हैं। तो उस टाइम पर आपको ग्रीन नेट में रखना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे की धूप आप इसे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। गुड़हल के पौधे की सबसे बड़ी एक दिक्कतों में से आता है वो है कलियों का पीला पड़ना और खिलने से पहले ही गिर जाना। गुड़हल का पौधा मिलीबग्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। मिलीबग्स सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े होते हैं जो कि हमारी कलियों में से और पत्तों में से रस चूस के हमारे पौधे को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। मिलीबग्स से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे पर हर हफ्ते ही पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। आप घर में बना नीम की पत्तियों को उबाल के पेस्टिसाइड बना सकते हैं। इसके अलावा आप नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच नीम तेल और उसमें 1/2 चम्मच साबुन मिला के आप 1 लीटर पानी में घोल के लगा सकते हैं। इन घर में बने पेस्टिसाइड का आप कुछ दिन लगातार इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको आराम ना मिले तो आप मेलाथियॉन नामक दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको अपनी नर्सरी पर से अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उस सीक्रेट इन्ग्रीडियंट के बारे में जिससे हमें फूल ज़्यादा मिलते हैं जो हम गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करते हैं, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का 1 पाउच या 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी आप पानी में मिला के अपने गुड़हल के पौधों में दे सकते हैं। कॉफ़ी के अंदर नाइट्रोजन होता है और काफ़ी सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। पौधे की मिट्टी को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, पौधे की मिट्टी को रिच बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में कॉफ़ी ऐड करने से आपके पौधे की मिट्टी काफ़ी न्यूट्रिशियस बनती है, एसिडिक बनती है और काफ़ी रिच बन जाती है, जिससे गुड़हल के पौधे की जड़ें जो है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाती हैं मिट्टी से और आपको फूल ज़्यादा दे पाती हैं। कॉफ़ी के अलावा आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़हल के पौधे के लिए। 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट आप 7 से 8 लीटर पानी में मिला के अपने गुड़हल के पौधे में 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करता है गुड़हल के पौधे के लिए। सीवीड एक्सट्रैक्ट एक अपने आप में कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है जो कि सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है जो कि पौधे को फूल और फल बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा आपको गुड़हल के पौधे के जो भी पुराने फूल आके खिल जाएं उनको आप हटा दीजिए, कैंची से हटा सकते हैं, आप अपनी उंगलियों से पिंच कर सकते हैं और फिर नई उसमें ब्रांचेस आएंगी और नए फूल खिलेंगे। पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, पुराने फूलों को हटा के डेड हेड करना भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की। दोस्तों, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स हैं जो आप अपने पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यकीनन काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी आप लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।